एक सिंपल सा डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है। इस बार करीबन करीबन 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, सिंपल डाटा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। अगर 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप 80% इसका कैलकुलेट करोगे तो करीबन करीबन 11,20,000 होता है, तो आप इसका 80% बोल सकते हो 11 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, समझने वाली बात है, ध्यान रखना। यू कैन फील द कंपटीशन हियर, जैसे दिखने में लग रहा 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, अरे भाई फॉर्म भरना और मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, ये बात बोलना बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, समझना। तो 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया काफी, उसका 80% 11 लाख। अगर आप सिर्फ ये सब बातें, इनफैक्ट ये सारी बातें करते गए तब तो तुम्हारी रैंक ही आ जाएगी बहुत, डबल डिजिट सिंगल डिजिट सारी जो भी तुम सोच रहे हो, बट अगर आप सिर्फ लाइव लेक्चर्स अटेंड करते रहे और नोट्स बनाते रहे तब भी आप 80% जनता से अपने आप आगे हो जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही रियलिटी है, यही क्या है, यही रियलिटी है कि अगर सिर्फ आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए, एकदम लीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, सर आप सच बोल रहे हो, 14 लाख में से 11 लाख इतने बच्चे हैं जो ये काम भी नहीं कर पाते कि लाइव लेक्चर देखना, नोट्स बनाना और रिवाइज करना, मैंने कहा नहीं कर पाते, तो दैट मींस सर ऑल एंड ऑल हमारा कंपटीशन 3 लाख से ही बचा, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्राउड पीछे हो गई। अब बारी आती है सर उन 3 लाख को भी हम बहुत पीछे या बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देंगे अगर हम ये सारी बातें फॉलो करते रहे या फिर अपने आप को फॉलो करवाने पर मजबूर करते रहे। सिंपल सी कहानी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो बात आज मैं बोल रहा हूं वो मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं कि भाई लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ, लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ, मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। पहला पहला दिन इसलिए चूज किया बिकॉज आज आप कुछ बदलने की स्थिति में हो, आपका मनोदशा जो हुई है ना कि सर मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूं, अपने घर वालों की हालात सुधारना चाहता हूं, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं, तो फॉलो दिस गाइडेंस, मांगते हो ना, आपकी गाइडेंस ही चल रही है, इतने लोगों से अपने आप आगे हो जाओ अगर सिर्फ लाइव लेक्चर और नोट्स बनाते रहे। और ये कर लिया तो इसमें से भी कम से कम आप चाहो तो 3 लाख बचे, उसमें से भी आप 1.5 लाख को या 3 लाख में से 2.5 लाख को फिर पीछे छोड़ दो, वो भी गए, बची 50,000 की बात। और IIT JEE में करीबन करीबन 30,000 सीटें हैं, थोड़ी सी और एफर्ट डालना है, ये सारी बातें PYQs वगैरह सब सॉल्व करना है, आप टॉप 100 टॉप 500 टॉप 1000 में आराम से हो, तो ये पूल आपको बड़ा दिख रहा है, बट जैसे जैसे काम, वो बोलते ना जैसे जैसे कटिंग होनी स्टार्ट होगी, आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं, आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं, सिंपल सा डाटा है। मैदान में बने रहे, व्हाट डू यू मीन बाय सर मैदान में बने रहे, बैच में ही बने रहे, कहीं पर भी छोटी सी दिक्कत आई भाग गए कहीं और, किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया, आजकल सबको माइक और सबको कैमरा मिला हुआ है ना, सबका एक ओपिनियन है, कोई किसी को अच्छा बोलता है, कोई किसी को बुरा बोलता है ना, सबका अपना अपना, हमारा जिससे थॉट प्रोसेस मैच करता है, जैसे किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो उसको वो वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जिसमें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो रैंक आ जाएगी भाई, उसको वो वीडियो अच्छी लगी क्योंकि हम अंदर से काम चोर हैं, तो हमने किसी एक और काम चोर की बात सुन ली। प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मैथ्स में नंबर आते हैं, ये किताब सॉल्व कर लो, ये वाली बात बस फॉलो कर लो, उसको उसकी बात अच्छी लग जाएगी, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी जर्नी एकदम स्मूथ जाने वाली है, ना ही इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई रहने वाला है हमेशा के लिए, जर्नी में अभी बहुत सारे तूफान आएंगे सर, वो जब तूफान आएंगे तब हम भागेंगे, है ना, तब हम भागेंगे वैसे ज्ञानी लोगों के पास, क्योंकि उनके पास एक माइक और एक कैमरा है, उनकी बात सुनेंगे, उनकी असलियत कौन वेरीफाई कर सकता है, ना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, आई होप यू गॉट दिस। तो प्लीज मैदान में बने रहें, फॉलो दीज थिंग्स, आप अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको बस पेशेंस, और पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, और आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, किसी और की बात हमें हिलाकर बिल्कुल नहीं जा सकती, सिंपल सी कहानी है, हम अपने टीचर्स पे विश्वास करते हैं, इन्होंने जो बोला वो हम फॉलो करेंगे, उसके बाद में रिजल्ट जो भी होगा वो इनके मत्थे ही लगा देंगे, बोले आपसे पढ़ा था सर ये रिजल्ट आया देख लो अब क्या करना है, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आपकी रैंक 1 आए 2 आए 50 आए 500 आए 5000 आए या कुछ आए ही ना, 100% ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट सर अभी भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं, सर मैं तो उस फलाना बोर्ड का हूँ, मैं तो CBSE बोर्ड का नहीं हूँ, आप कौन से बोर्ड का पढ़ाएंगे, तो पूरा एक बार पढ़ के तो देख,
आपके नंबर हर बोर्ड में आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्कूल कैसे मैनेज करें? स्कूल को आपको मैनेज नहीं करना है, स्कूल आपको मैनेज कर देगा, ठीक है? है ना? अब स्कूल मैनेज इज ए प्रॉब्लम दैट इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस पे अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा कि जितने बच्चों से मैं मिला हूं, अभी ऑफलाइन में कई कई बार जाना होता है, काफी जगह गया हूं, तो वहां पर जब मुझे बच्चे मिलते हैं तो उनसे पूछता हूं, भाई स्कूल कैसे मैनेज कर रहे हो? तो वो यही बोलते हैं, ध्यान सुनना, रियलिस्टिक एग्जांपल्स एंड रियल चीजें, कोई इमेजिनरी बात नहीं बोलते हैं। बोले सर स्कूल जाता हूं ना कभी कभी तो छुट्टी ले लेता हूं, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो दो दिन की छुट्टी होती है। फिर मैंने कहा वही यार तेरी 75% अटेंडेंस। बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं, वो मैनेज हो जाती है, स्कूल में सर छुट्टियां बहुत आती हैं, है ना, स्कूल में फंक्शंस बहुत होते हैं, स्कूल में सर हमारे फ्री पीरियड्स भी कई बार बहुत सारे आते हैं, वहां ले जाता हूं सर मैं अपना नोट्स मेकिंग वाला काम वहां कर लेता हूं। तो सब लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं और ऐसे ही मैनेज होता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बोलो कि सर ये वाली स्टेटमेंट बोल दो, उसको सुन लेंगे, स्कूल मैनेज हो जाएगा, नहीं होता है। आपको टाइम स्कूल में से खुरेद खुरेद के निकालना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं भाई, इतने डेडिकेशन पर बच्चे गए हैं कि जब उनकी रिसेस होती है, इंटरवल होता है स्कूल में, तब वो स्कूल वाले में अपना मोबाइल साथ में लेके जाते हैं, वहां से नोट्स देखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। इस लेवल पर लोग स्कूल मैनेज कर रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि हम रिलैक्स सिट बैक करके, सर स्कूल बड़े बड़े तंग करते हैं, तंग करेंगे, करते भी हैं। ना तंग करने का मतलब कि वो आपको रिटर्न वर्क देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, उसको आप काफी हद तक इग्नोर कर सकते हो, काफी हद तक आपको करना भी पड़ता है, दोनों बातों में मैनेज करके चलना पड़ेगा। बट यस, दिस इज द ओनली वे। जब मैदान में उतरोगे तो आप, एक और सिंपल सी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दिस, कि भाई साहब पहले से स्ट्रेटजी बनाकर मैदान में मत उतरो। आप मैदान में उतरिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। आप अपना धीरे धीरे रास्ता खुद बना लेंगे, प्रोवाइडेड आप रास्ता बनाना चाहते हैं कि हाँ सर वो मैथ्स वाले पीरियड हम गए थे आज स्कूल में, मैथ्स वाले सर बीमार थे, वैसे मैथ्स वाले सर बीमार होते तब भी पहुंच जाते हैं, मैथ्स वाले मास्टर बड़े खड़ूस होते हैं, केमिस्ट्री वाले सर बीमार थे, उनकी सर पीरियड फ्री था, मैंने बैठ के सर इतना काम कर दिया। तो ये जो टुकड़ों में आपको टाइम मिल रहा है कहीं कहीं से, उसको एक साथ लाकर आपका स्कूल मैनेज होगा। यस, दिस इज द ओनली वे। स्कूल में पेपर्स भी आएंगे, तब आपको हो सकता है थोड़े दिन पीडब्ल्यू को होल्ड करना पड़े, बट जैसे ही आप इसको होल्ड करोगे सर वहां पर हमें वापस, यही तो चीजें सीखनी है। अबे तुम्हें क्या लग रहा है कहां पर स्ट्रगल होने वाला है? सर एक सवाल आया हमें तो ये नहीं समझ में, इसलिए आईआईटी जेईई डिफिकल्ट है। नहीं भाई, जो यहां पे सवाल आएगा वो सबसे सॉल्व हो जाएगा, सबको समझा के भेजूंगा अगर। तो असली दिक्कत, असली स्ट्रगल, असली इनपुट कहां लगती है? इन्हीं चीजों को तो मैनेज करने में, इन्हीं चीजों को तो मैनेज करने में असली इनपुट लगती है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, सारा का सारा बस, सारा का सारा कंट्रोल आपका होता है। और वहां पर एक ही चीज काम आती है, दैट इज योर एटीट्यूड, कि आप सच में जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आंसर है हां तो आप टाइम निकाल लाएंगे कहीं ना कहीं से, 100% निकाल पाएंगे। जो तुम सोचते हो ना कि सर स्ट्रगल या डिफिकल्ट किस वजह से है, आईटी जेई की प्रिपरेशन, ये वाली वजह कि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप टाइम बाकी लोगों से या बाकी जगह से खींच नहीं पा रहे हो। एक बार आपने वो टाइम खींचना सीख लिया, एक बार आपको समझ में आ गया कि ये इंसान या फिर ये वाली चीज मेरा टाइम ले जाती है, तो हम उसको साइड में करना सीख गए, दैट मींस आप सीख गए जेई का असली प्रिपरेशन करनी, आप सीख गई। और जिस जिसने जेई की प्रिपरेशन की है वो अपनी जिंदगी में आगे कभी नाकामयाब कभी नहीं होता। प्रिपरेशन की है, सिर्फ प्रिपरेशन की ही बात कर रहा हूँ, रिजल्ट की तो बाद में बात करनी। क्लास ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ कैसे मैनेज करनी है, अगेन गैप मिलता है तो ठीक, वरना होल्ड दिस, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास ट्वेल्थ। ट्वेल्थ बोर्ड क्या आप कवर करेंगे? तो आंसर इज सर यस। फ्लो ऑफ द क्लास एंड योर डेली डिफाइंड ड्यूटी, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इसको जो समझ गया, इसको जो फॉलो कर लेगा, उसका रैंक कहीं नहीं लटकने वाला। तो नोट्स कैसे बनाने हैं लाइव क्लास के साथ, वो भी समझा दिया है।